देख सकते हैं ये हमारी नमो भारत ट्रेन है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी है, लगभग 20 सेकंड के लिए रुकी है, दोस्तों फिर दोबारा यहाँ पर चलती है नमो भारत ट्रेन। तो देख सकते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, अभी आपको निकलती हुई दिखाई देगी, वो पूरी स्पीड से दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मज़े ही आ जाएगा अभी उसे बैठोगे ट्रेन में, बहुत फास्ट देख सकते हैं दोस्तों, अभी हवाई नहीं भर है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों मैंने फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं नए जो हमारे नमो भारत ट्रेन है, जो उसका मोदी जी ने दोस्तों उद्घाटन करा है। आज दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये कैसी ट्रेन है। दोस्तों आज से लगभग 3 साल पहले मैंने आपसे वादा करा था 2020 में कि हम नई रैपिड ट्रेन आएगी तो उसकी हम वीडियो बनाएंगे, तो आज मेरे टाइम आ चुका है उद्घाटन का, तो वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ पर आप आओगे रैपिड ट्रेन के स्टेशन पर, तो यहाँ पर आने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर अपनी गाड़ी कार या बाइक पार्किंग में लगा सकते हैं, कार और बाइक आप यहाँ पर पार्किंग में लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानियाँ लिख रही है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आप बैठना मना है और व्हील चेयर की अनुमति नहीं है, मतलब यहाँ पर कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ लिख रहा है हैंडरेड पर बैठना मना है, ये दोस्तों हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं एलिवेटर ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा छोटा भाई यहाँ ऊपर जा चुका है, हट से, ये दोस्तों देख सकते हैं हम, अब यहाँ पर मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा भी मिल जाती है, जैसे ही आप एलिवेटर से ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप दोस्तों लिफ्ट ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से आप पैसे जहाँ ऑनलाइन देंगे तो यहाँ से एक पर्ची मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं मोदीपुरम दुहाई डिपो स्टेशन, ये दोस्तों रैपिड ट्रेन का हमारा क्या है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ साइड में दोस्तों गुब्बारे भी लगे हैं उद्घाटन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रैपिड ट्रेन के स्टेशन पर आ चुका है, ये दोस्तों हमारा साहिबाबाद पर अब ट्रेन आने वाली है और ये स्टेशन है दोस्तों। हाँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ क्या है इसकी देख सकते हैं अब नहीं, यहाँ पर इसकी पटरी बनी हुई है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जब ट्रेन आएगी तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग खुल जाएंगी, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लोग, ये अलग अलग आपको लोग देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 160 किलोमीटर मतलब फास्ट और 180 किलोमीटर की जो स्पीड है टॉप होने वाली है, और यहाँ पर ऊपर आपको वायरिंग देखने को मिल जाती है भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है कृपया ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें, ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जब ट्रेन आएगी और यहाँ पर ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इसके बीच की कुछ दूरी मेंटेन करने के लिए, ऐसा ना हो कि आप ट्रेन की साइड गिर जाए जब ट्रेन बहुत तेज़ी से आए, तो इसलिए ये दोस्तों लगाया गया है यहाँ पर। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, एक क्या है आपकी किस्म के डिवाइडर मान सकते हैं, जैसे सड़क पर होता है कि एक तरफ से यहाँ पर क्या है बस जाएगी और दूसरी तरफ से आएगी, यानी एक तरफ से बस यात्रा कहीं को जाती है और दूसरी को आती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारी नई ट्रेन आ रही है नमो भारत, आप देख सकते हैं ये दोस्तों आने वाली है दोस्तों, ये दोस्तों देख सकते हैं ट्रेन आपको दिखाई देगी है नमो भारत दोस्तों, बहुत तेज़ स्पीड से आएगी दोस्तों, ये ट्रेन बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में नमो भारत। दोस्तों आपको इंतजार नहीं हो रहा कि आप कहाँ हैं, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होती रहती है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हमारी यहाँ पर आ चुकी है ट्रेन, तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हमारी रैपिड ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, तो दोस्तों देख सकते हैं इनके ड्राइवर क्या आगे बैठे हैं हमारे, और ये दोस्तों भारत में है नमो भारत, दोस्तों हमें बहुत खुश है कि हमारे भारत में एक नई ट्रेन बनी है। अब दोस्तों ये बैरिकेडिंग यहाँ पर खुल जाएंगे, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका गेट है ये यहाँ से मैच होगा और ये खुल जाएगा, हाँ सामने सा, तो दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर गेट इससे मैच होगा ये खुल जाएगा, ये दोस्तों देख सकते हैं हमारे गेट खुल चुके हैं और ये वाला गेट भी खुल गया, अब यहाँ पर आप आ सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारी नमो भारत ट्रेन है, ये दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी है, लगभग दोस्तों 30 सेकंड के लिए रुकी है, दोस्तों फिर दोबारा यहाँ पर चलती है नमो भारत ट्रेन, तो देख सकते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है दोस्तों, अभी आपको निकलती हुई दिखाई देगी, वो पूरी स्पीड से दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मज़े ही आ जाएगा अभी उसे बैठोगे ट्रेन में, बहुत फास्ट देख सकते हैं दोस्तों, अभी हवाई नहीं भर है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों।
जब यहाँ पर आप रैपिड ट्रेन पाओगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड आपको कोच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड है और इससे आगे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रीमियम कोच देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप देखते हैं यहाँ पर लाइनिंग है, इसके अब आगे जब जाओगे तो आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की तैनाती है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कोच है, उससे पहले ही हमारा प्रीमियम कोच है दोस्तों। तो हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वो है, हमारे जो टिकट लिया है 23/10/2023 को लिया है और समय है 14:22:58 दोस्तों। 14 में से आप 12 घटा दीजिए तो आएगा 2:22:58 पर ट्रेन है। अब दोस्तों अगली ट्रेन कब आएगी वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, जब हम यहाँ पर साहिबाबाद के नीचे यहाँ टाइमिंग भी लिख रहे हैं, 3 मिनट लिख रहा है। तो अगली ट्रेन आने में 3 मिनट है। जब यहाँ पर 2 आएंगे तो 02:02 का मतलब है 2 मिनट। जब यहाँ पर 07 होगा तो आने में कितने हो गए, 7 मिनट। जब यहाँ पर 10 होगा यानी 10 होगा यानी 10 मिनट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं तो 02 का मतलब है जो हमारी रैपिड ट्रेन आने में 2 मिनट है दोस्तों। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं टाइमिंग 2 मिनट 02। 01 लिखा चुका है यानी 1 मिनट है दोस्तों रहने में। तो दोस्तों देख सकते हैं 01 दोस्तों हमारी कंप्यूटर साइंस में भाषा में दोस्तों पहले 0 आता है उसके बाद 1 आता है। हमारी कंप्यूटर की भाषा अगर आपको समझनी है तो आप 0 और 1 को समझ लीजिए, हमारी पूरी भाषा समझ लेंगे दोस्तों कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर आएंगे, हमारा रैपिड ट्रेन का स्टेशन है। आपको ये जो पट्टी दिख रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर रेड से पहले आपको इससे इधर इधर भी रहना है, आपको पल्ली तरफ नहीं जाना है। जब ट्रेन आएगी तब दोस्तों आप ये यहाँ पर रास्ता दिया गया है, इसके थ्रू ही आपको जाना है और इसके थ्रू ही आपको आना है, ठीक है। ये यहाँ पर ग्रीन, ये जो पीली कलर की यहाँ पर पट्टी देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक मान लीजिए लक्ष्मण रेखा है, ठीक है दोस्तों। आपको जब ही यहाँ से जाना है जब ट्रेन आएगी, और इसी रास्ते से जाना है जहाँ पर आप रेड वगैरह देख रहे हैं ना दोस्तों, ये रेड ये यहाँ पर रास्ते हैं। जब ट्रेन आएगी तो उसका गेट यहाँ से खुलेगा, यहाँ से आप जा सकते हैं। फिलहाल आप इस पीली पट्टी का ध्यान रखें, इससे उल्ली उल्ली तरफ ही आपको रहना है जब तक ट्रेन ना जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए क्या है, रेखा। तो दोस्तों हमारी पिछली ट्रेन यहाँ पर छूट गई थी, अब ये दोस्तों नई ट्रेन आई है जो देख सकते हैं। और इस ट्रेन के बाद दोस्तों अगली ट्रेन 14 मिनट बाद आएगी दोस्तों, निकले 14:48 के बाद आएगी। तो ये ट्रेन हमें नहीं छोड़नी है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी दूसरी ट्रेन है, इस बार हमें पकड़ लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी इस ट्रेन आ गई, अब दोस्तों हमें पीली पट्टी के अंदर जाना है। तो आपको यहीं, हाँ तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है ओपन, इस बार हम जाएंगे इसके अंदर। तो ये गेट खुलने में टाइम है, अभी रुक जाओ, जैसे ही खुलेगा तो इसके अंदर जाना है दोस्तों। में चला अभी ज़्यादा इधर आ रहा है, दोस्तों देख सकते हैं हमारी ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर ए सी का आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है, रैपिड ट्रेन के अंदर आ चुके हैं देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेड सीट देखने को मिल जाती है, रेड का मतलब है स्टैंडर्ड, और एक ग्रीन कलर की आती है यहाँ पर जो सीट है वो प्रीमियम कोच को दर्शाती है। इसमें दोस्तों अलग अलग कोच बने हुए हैं यानी डिब्बे, और मैं आपको इसके अंदर दिखाऊँ। ये दोस्तों एक सीट हमारी ट्रेन यहाँ पर चलती है, इसकी स्पीड दोस्तों बहुत फास्ट। तो दोस्तों इस ट्रेन में आपको 2 USB चार्जर देखने को मिल जाते हैं टाइप ए, अगर आपके मोबाइल में टाइप ए लगता है एक साइड से तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। मतलब जो केबल होती है ना सिर्फ वो लगानी है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ चार्जर देखने को तो मिल जाता है, मोबाइल चार्जर ही है दोस्तों पूरा। बस यहाँ पर आपको USB लगानी है केबल और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देनी है, मोबाइल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे को USB है, यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन है देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट है दोस्तों। और यहाँ पर आप इसकी स्क्रीन भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों आपको स्क्रीन है डिजिटल। दोस्तों यहाँ पर आपको AC की फैसिलिटी भी मिल जाती है दोस्तों, यहाँ पर पकड़ने के लिए हैम्बर है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच गई है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ रैपिड, तो दोस्तों मैं यहाँ पर फाइनली बैठा हूँ रैपिड। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर पहुंची ट्रेन में, हम हमारे ट्रेन में रेड कलर की सीट है, रेड है और हमारे यहाँ पर ये छोटा भाई यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नई नई स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है दोस्तों आप यहाँ पर साफ लिखा है ये दोहाई से साहिबाबाद जाएगी। तो अभी हमारी ट्रेन दोहाई से चली है, अभी यहाँ पर गुलघार आई है, फिर गाज़ियाबाद जाएगी, उसके बाद साहिबाबाद। दोस्तों देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लास्ट दरवाजा आपको देखने को मिल जाता है रैपिड ट्रेन का, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर। इसके आगे दोस्तों हमारे जो ट्रेन चलाते हैं जो यहाँ पर लोगो पायलट है उसका गेट है दोस्तों, ये दोस्तों इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर खोला जाएगा, अगर कोई ट्रेन में इमरजेंसी हो जाती है तो दोस्तों हम यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलाई, मतलब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो रेड। तो दोस्तों इमरजेंसी के दौरान यहाँ पर गेट खुलेगा आपातकालीन स्थिति।
दोस्तों, अगर जब आप गूगल मैप यहाँ पर स्पीड टेस्ट करोगे, यहाँ पर ये जो स्पीड है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, 133 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों इसकी स्पीड आ रही है रैपिड ट्रेन की। देख सकते हैं दोस्तों, हम रैपिड ट्रेन में 133 किलोमीटर को छू दिया दोस्तों। इसकी जो यहाँ पर एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैक्स जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इन्हें 33 किलोमीटर इन्हें पास कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्पीड टेस्ट कर लिया है। अब दोस्तों धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी दोस्तों। यहाँ पर ट्रेन के तो सॉफ्टवेयर में आपको बग है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एसी की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर एसी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुरानी ट्रेन की आपको देखने को मिल जाती है, जो आज से पहले ट्रेन चलती थी वही यहाँ पर है। दोस्तों देख सकते हैं ये ओल्ड ट्रेन और ये है हमारी नमो भारत ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया ट्रेन है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा देखने को मिल जाता है नमो भारत ट्रेन का। यहाँ पर आप खिड़की से देखोगे तो दोस्तों खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। खिड़की के बाहर का दोस्तों कुछ नज़ारा ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, और रैपिड ट्रेन के अंदर नज़ारा कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर बिल्डिंग बनी है दोस्तों। हमारा जो मोदी नगर है सबसे ज़्यादा डेवलपिंग की ओर बढ़ रहा है, यानी विकासशील देश है दोस्तों हमारा भारत। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप इमारतें देख सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हमारा डेवलप हो रहा है। हमारी साई बाबा लैंड पॉइंट पर पहुंच चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप स्टेशन में देख सकते हैं, ये दोस्तों साई बाबा तक ट्रेन पहुंच चुकी है। इससे आगे दोस्तों नहीं जाएगी दोस्तों, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। यहाँ पर आलानम आ चुका है यहाँ पर, और ये हमारा साई बाबा स्टेशन है, देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर अलग यहाँ पर चला जाता है आगे की तरफ, वही साई बाबा का। यहाँ पर पीले कलर की बत्ती का मतलब यह है कि ये ट्रेन का अभी गेट खुला हुआ है, जब ये दोस्तों रेड हो जाएगा नहीं बंद, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर क्या है, ये गेट खुला हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी रंग की लाइट जल रही है, यहाँ पर येलो कलर की यानी पीले कलर की। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर इस हादसे बाहर निकलेंगे हम रैपिड ट्रेन से, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिनट का टाइम है। ये दोस्तों अभी हमारा साहिबाबाद पर आ चुकी है, और यहाँ पर 2 मिनट तक ये ट्रेन रुकेगी। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कितनी मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी। अगर जो यहाँ पर 8 लिखा है 08 यानी 8 मिनट रुकेगी, 10 यानी 10 मिनट रुकेगी, और यहाँ पर 03 लिखा है तो यहाँ पर 3 मिनट रुकेगी। 05 का मतलब यह है ये 5 मिनट रुकेगी, ठीक है दोस्तों। तो 02 का मतलब अभी यहाँ पर 2 मिनट रुकने वाली है, और ये जो स्टेशन है ये है साहिबाबाद। दोस्तों देख सकते हैं हमारा, तो दोस्तों ये क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन है यहाँ पर, अब ये बंद होने वाले हैं, इसके गेट हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए सॉकेट उपलब्ध है, यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सॉकेट्स फॉर चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन, पैसेंजर्स मे अवेल दिस फैसिलिटी। तो दोस्तों ये जो हमारी ट्रेन है ये दोस्तों यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई थी, और ये हमारी जाएगी दुहाई डीप हो गया। ये जो एरो बन रहा है, एरो यानी तीर का निशान, ये दोस्तों जाता है। अभी हमारी ट्रेन दोस्तों यहाँ पर साई बाबा से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों जब हमें इस लाउंज से बाहर निकलना पड़ेगा तो हमें एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, तो ये हमारे QR कोड आपको यहाँ पर स्कैन करना है, और ये यहाँ पर गेट खुल जाएगा और आप जा सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये बंद हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना QR कोड लगाना है, और यहाँ पर ये खुलेगा और आप आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना QR कोड लगा सकता हूँ, ये दोस्तों देख सकते हैं मेरा QR कोड है, ये मेरा दोस्तों QR कोड है, ये मैंने ऐसे स्कैन करा, यहाँ पर दरवाज़ा खुला और यहाँ पर आ सकते हैं। मुझे मजाक ना होता भाई, देख यहाँ पे देख क्या है, ये एक सेंसर लग रहे हैं, जब ये सेंसर तू यहाँ नहीं जाएगा ना, देख खाली रहेगा, मतलब MPT रहेगा। अब 0 और 1 का मतलब पता, कंप्यूटर में 0। दोस्तों यहाँ पर एक कैमरा लग रहा है आपकी सभी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर कैमरा लग रहा है। अगर आप इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ होती है तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे से कंट्रोलिंग की जाती है, इमरजेंसी के दौरान दोस्तों कैमरा काम आएगा। आज मैं दोस्तों पहली बार यहाँ पर लिफ्ट में सफर कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, काफी इजी है यहाँ पर इस रैपिड ट्रेन में इसको इस्तेमाल कर पाना। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये लिफ्ट देखने को मिल जाती है, आप यहाँ से बटन दबा सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। सामने आपको मिरर देखने को मिल जाता है कि आप यहाँ पर जो
दोस्तों आप जब इसे ट्रेन में जाओगे तो लिफ्ट में काफ़ी अच्छा महसूस होगा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों इस ट्रेन में दोस्तों सफ़र करने में, और जब आप आओगे दोस्तों आपको भी इस ट्रेन में काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर ये स्क्रीन लगी है, दोस्तों यहाँ पर हमारे देश की संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाएगी, और दोस्तों हमारे देश का मतलब कैसा है आपको देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ समुद्र भी है दोस्तों, सब चीज़ आपको टूरिज्म के लिए क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी वो सभी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा स्टैंडर्ड कोच था, इससे अगला वाला जो कोच है वो है प्रीमियम, दोस्तों देखते हैं यहाँ इसका यहाँ पर किराया डबल है दोस्तों, ये प्रीमियम कोच देखने को मिलता है आपको, और यहाँ पर ये बंद है दोस्तों, ये बंद इसलिए है क्योंकि इसका किराया डबल है, तो इसमें जो नीले कलर की जो सीटी लगी है ये दोस्तों दर्शाती है कि ये हमारा क्या है प्रीमियम कोच है। हैं बंद हो गया देख 130 गाड़ी 140 तो देख सकते हैं यहाँ पर 140 142 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है दोस्तों, 145 दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा, और देख सकते हैं दोस्तों रैपिड ट्रेन है, रैपिड ट्रेन 145 किलोमीटर दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत तकड़ी यहाँ पर स्पीड निकल आ रही है दोस्तों, हमने कभी सोचा नहीं था हम हिंदुस्तानियों ने कि हम दोस्तों इतनी स्पीड अचीव कर लेंगे, लेकिन ये हवाएं तो बहुत ही चीज़ें कार है 145 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड, तो समझिए इसको कैमरा।